क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 8, संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। गुरु मंत्र, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक क्या होता है। संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी कि जिसके लिए हम काम करते हैं, जो हमारी क्रिया करते हैं उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह जो है वो को तथा के लिए होता है, यानी कि जो हम क्रिया करते हैं किसके लिए कर रहे हैं ये सब, तो इसके दो चिन्ह होते हैं को तथा के लिए। चतुर्थी विभक्ति, एक तो संप्रदान में आपकी होती है चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को तथा के लिए, और इसकी विभक्ति होती है चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति के रूप इस प्रकार चलते हैं, जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के बारे में, जिसमें आपका एकवचन द्विवचन बहुवचन दोनों हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग, तो इसमें आएगा शिक्षकाय शिक्षकाभ्याम शिक्षकेभ्य, कृषकाय कृषकाभ्याम कृषकेभ्य, स्त्रीलिंग परिचारिके परिचारिकाभ्याम परिचारिकेभ्य, चटके चटकाभ्याम चटकेभ्य। आप पढ़ेंगे नपुंसक लिंग में मुकुटाय मुकुटाभ्याम मुकुटेभ्य, सोपनाय सोपनाभ्याम सोपनेभ्य। ये थे आपके एकवचन द्विवचन बहुवचन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के चतुर्थी विभक्ति के रूप। पढ़िए और समझिए। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहले आपने वर्ड्स पढ़े थे, अब सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं अध्यापिका छात्राय पारितोषम यच्छति, यानी कि अध्यापिका छात्रा यानी कि छात्रों को पारितोषम पुरस्कार देती है। सा बालिकाभ्यः मिष्टान्नानि यच्छति, यानी कि सा वह बालिकाभ्यः बहुत बालिकाओं के लिए मिष्टान्नानि यानी कि मिठाइयाँ यच्छति देती है। फिर सेकेंड आप पढ़ेंगे अम्बा पुत्राय भोजनम पचति, अम्बा यानी कि माता पुत्राय पुत्र के लिए भोजनम भोजन पचति पकाती है। पिता बालिकाय पुस्तकम आनयति, पिता बालिका यानी कि पुत्री के लिए पुस्तकम पुस्तक आनयति लाते हैं। अध्यापका छात्राय पारितोषम यच्छति, अध्यापक छात्राय छात्रों के लिए पारितोषम यानी कि पुरस्कार देते हैं। फिर नीचे हम पढ़ेंगे छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, छात्रा यानी कि बहुत सारे छात्र पठनाय पढ़ने के लिए विद्यालयम यानी कि विद्यालय गच्छन्ति जाते हैं। धनम यच्छन्ति नृपः याचकाय धनम यच्छन्ति, नृपः यानी कि राजा बहुत राजा याचकाय भिखारी के लिए धनम धन यच्छन्ति देते हैं। माता पुत्राय दुग्धम ददाति, यानी कि माता पुत्र के लिए दूध देती है। अध्यापकः छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छन्ति, यानी कि बहुत अध्यापक छात्रेभ्य बहुत छात्रों को ज्ञानम ज्ञान यच्छन्ति देते हैं। वयम मालाभ्य पुष्पाणि त्रोच्याम, यानी कि हम सब मालाओं के लिए फूल तोड़ते हैं। जनकः पुत्रेभ्य फलानि ददति, जनक यानी कि पिता पुत्रेभ्य बहुत पुत्रों के लिए फलानि फल ददाति देता है। यहाँ पर आपने सेंटेंस पढ़े थे, इसमें या जो आता है पीछे आए करके, जो जैसे कि पठनाए याचकाए पुत्राए, इसका मतलब होता है के लिए। अब आगे जैसे पढ़ेंगे हम सेंटेंस, अहम लेखनेभ्याम रुपयाकाणि यच्छामि, यानी कि मैं लेखनेभ्याम दो कलमों के लिए रुपयाकाणि रुपये देता हूँ। बालकः कंदुकाभ्याम क्रदति, यानी कि बालक कंदुकाभ्याम मतलब दो गेंदों के लिए
क्रोधति रोता है। रामः क्रीडकाभ्याम रूप्यकाणि यच्छति। राम क्रीडकाभ्याम यानी कि दो खिलौनों के लिए रूप्यकाणि रुपये देता है। मालिकाः बालिकाय पुष्पाणि त्रोचयति यानी कि माली बालिकाय लड़की के लिए पुष्पाणि फूल तोड़ता है। वयम पुस्तकाभ्याम पुस्तकालयम गच्छाम हम सब पुस्तकाभ्याम दो पुस्तकों के लिए पुस्तकालय जाते हैं यानी कि लाइब्रेरी। जनाः फलाभ्याम आपणम गच्छन्ति यानी कि बहुत लोग फलाभ्याम दो फलों के लिए आपणम बाजार गच्छन्ति जाते हैं। यहाँ आपने सेंटेंस पढ़े थे कुछ जिसमें या जैसे मैंने आपको पहले बताया उसका मतलब होता है के लिए, लेकिन जहाँ पर छोटे ए की मात्रा लग जाती है अध भ और या जुड़ जाते हैं जैसे आपने बहुवचन में शब्द पढ़े थे तो वहाँ आपका हो जाता है को। जैसे छात्रे भी पढ़ा था हमने तो वो हुआ था छात्रों को। इस तरह से आपके ये सेंटेंस थे। अब है आपका अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज टाइम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क पढ़ने के लिए को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो पढ़ने के लिए आएगा पठनाय। एक भिखारी के लिए को संस्कृत में क्या कहते हैं, याचिकाय। दो पुस्तकों के लिए को संस्कृत में क्या कहते हैं, पुस्तकाभ्याम। त्रोटियाम को हिंदी में क्या कहते हैं, हम सब तोड़ते हैं। लेखनेभ्याम को हिंदी में क्या कहते हैं, दो कलमों के लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन। टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क है अध्यापिका डैश पारितोषम यच्छति। अध्यापिका किसको पारितोष यानी कि पुरस्कार देता है, तो यहाँ पर आपका आएगा सेकेंड छात्राय। ख छात्रः डैश विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विद्यालय क्यों जाते हैं, तो इधर आएगा आपका थर्ड पठनाय पढ़ने के लिए। ग वयम डैश पुष्पाणि त्रोच्याम हम सब किसके लिए फूल तोड़ते हैं, तो यहाँ आएगा फर्स्ट मालाभ्य माला के लिए। घ रामः डैश रूप्यकाणि यच्छति यानी कि राम किसके लिए पैसे देता है, तो इधर आएगा सेकंड क्रीडकाभ्याम खिलौनों के लिए। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। कोष्ठक में दिए शब्दों के उचित रूप लिखकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर देखो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको उचित रूप में सही रूप में लिखकर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। क छात्रः डैश पुष्पाणि यच्छति, तो यहाँ शिक्षिका है, यहाँ पर आएगा आपका शिक्षिकाए। पिता डैश क्रुद्यति, तो यहाँ पर आएगा पुत्राय। अहम डैश आपणम गच्छामि, तो यहाँ आएगा पुस्तकाय। माता डैश मोदकः यच्छति, यहाँ आएगा माता बालकाय मोदकः यच्छति। मालाकार डैश पुष्पाणि त्रोटयति, तो आएगा माल्यभ्य। जनः डैश आपणम गच्छन्ति, तो यहाँ आएगा फलेभ्य। अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनकी आपको चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों में। तो सबसे पहले है आपका राम, तो एक वचन में आएगा रामाय, द्विवचन में आएगा रामाभ्याम, बहुवचन में आएगा रामेभ्य। बाला बाले बालाभ्याम बालेभ्य। ग है कंदुकम, जिसका होगा कंदुकाय कंदुकाभ्याम कंदुकेभ्य। वर्तिका का होगा वर्तिकाय वर्तिकाभ्याम वर्तिकेभ्य। तो देखिए एक वचन में य लगता है पीछे, जैसे रामाय कंदुकाय वर्तिकाय, किसी किसी के पीछे बड़े की मात्रा भी आती है। द्विवचन में आपके लास्ट में हम यूज़ करते हैं भ्याम,
जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था रामाभ्याम, बालाभ्याम, कंदुकाभ्याम, वर्तिकाभ्याम। फिर है बहुवचन, तो बहुवचन में हम छोटी ए की मात्रा अद भ और य यूज़ करते हैं, जैसे रामेभ्य, बालेभ्य, कंदुकेभ्य, वर्तिकेभ्य। इस तरह से आप खुद शब्द बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपको यहाँ पर संस्कृत के वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हें हिंदी में बदलना है। जैसे क है, अहम याचकाय भोजनम यच्छामि, तो अहम मैं भिखारी को भोजन देता हूँ। ग ख, अध्यापिका बालिकाय पुस्तकम यच्छति, अध्यापिका लड़की को पुस्तक देती है। ग यूयम ज्ञानाय पठत, तुम सब ज्ञान के लिए पढ़ते हो। मालाकार मालभ्य पुष्पाणी तोचयति, माली बहुत मालाओं के लिए बहुत फूल तोड़ता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अभी आपने संस्कृत से हिंदी बनाई थी, अब हम हिंदी से संस्कृत बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क है, जैसे हम सब ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, तो हम सब की होती है वयम, ज्ञान के लिए की होगी ज्ञानाय, और पढ़ते हैं कि क्या होगी पठाम। यहाँ क्या आएगा, वयम ज्ञानाय पठाम। ऐसी ख, सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं, तो सज्जनाम परोपकार, सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। ग बच्चा बूढ़े के लिए डंडा देता है, बालकः वृद्धाय दंडम ददाति। सूर्य प्रकाश के लिए उदय होता है, तो क्या आएगा सूर्य प्रकाशाय उद्भवति। अब है आपका क्वेश्चन लास्ट जो है 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। क है, माताय पुत्राय किं ददाति, माता पुत्र को क्या देती है पुत्र के लिए, तो यहाँ क्या आएगा माता पुत्राय दुग्धम यानी कि दूध देती है। ख पिता बालिकाय किं आनयति, पिता बालक के लिए क्या लाता है, यहाँ आएगा पिता बालिकाय पुस्तकम आनयति। ग नृपः याचकाय किं यच्छति, यानी कि राजा भिखारी को क्या देते हैं, तो यहाँ आएगा धनम, नृपः याचकाय धनम यच्छति। घ अम्बा पुत्राय किं पचति, तो यहाँ आएगा अम्बा पुत्राय भोजनम पचति, यानी कि माता पुत्र के लिए भोजन बनाती है। ये हुआ आपका संस्कृत का पाठ 8 पूरी तरह से कंप्लीट।